अगर नीतीश कुमार जी के खिलाफ चिराग पासवान भी जबान खोलेंगे तो हमें भी जबान खोलना पड़ेगा। इनकी हैसियत नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि आदरणीय चिराग पासवान जी पे बोलने का। अगर एनडीए में है तो अपने वजूद और हक और हकूक के साथ रहें। अगर धमकी देंगे तो हम धमकी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अपने हैसियत में रहें, अपने औकात में रहें, और अभी तक तो ये ढंग से आए भी नहीं है एनडीए में। देखिए, हमारे एनडीए में आने से कौन नाराज हो रहा है, कौन खुश है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा एजेंडा साफ है कि हम नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आए हैं। हम कोई सीट शेयरिंग में कोई हिस्सेदारी नहीं मांग रहे हैं। रही बात अगर नीतीश कुमार जी के खिलाफ चिराग पासवान भी जबान खोलेंगे तो हमें भी जबान खोलना पड़ेगा। अगर चिराग पासवान ये धमकी दे रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट्स के खिलाफ वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी के सीटों पर हम भी अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। इससे अनुरोध है कि अगर एनडीए में है तो अपने वजूद और हक और हकूक के साथ रहें। अगर धमकी देंगे तो हम धमकी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जीतन राम मांझी जी के एक प्रवक्ता आदरणीय चिराग पासवान जी के बारे में बोल रहे हैं। इनकी हैसियत नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि आदरणीय चिराग पासवान जी पे बोलने का। और जीतन राम मांझी जहाँ तक हैं, ये नए नए दलित नेता बनके, स्वयंभू नेता बनके बिहार में घूम रहे हैं। इनकी हैसियत नहीं है रामविलास पासवान जी के ऊपर और चिराग पासवान जी के ऊपर टिप्पणी करने की। और हमारा सलाह है जीतन राम मांझी जी को और उनके चाटुकार और उनके चमचों को कि औकात में रहें, हैसियत में रहें। कल तक तो गाली बक रहे थे नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार जी के कृपा पे ये दलित नेता बने हैं। कल तक तो कोई जानता नहीं था। अपने हैसियत में रहें, अपने औकात में रहें, और अभी तक तो ये ढंग से आए भी नहीं हैं एनडीए में और कह रहे हैं कि, तो इनको सलाह कि अपने हैसियत में रहें।